नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, 4m-2n इक्वल टू -4 एंड 4m+3n इक्वल टू 16। क्वेश्चन में कहा गया है सॉल्व, सॉल्व मतलब आपको क्या फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ m एंड n फाइंड करनी है। तो देखिए किस तरह से सॉल्व करना है, इक्वेशन वन इक्वेशन टू मैंने लिख ली है, तो इसमें क्या करना है, देखिए m के साथ जो कोऑर्डिनेट्स है 4 4 सेम है, तो आपको किसी से भी मल्टीप्लाई, कौन से भी नंबर से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन वन माइनस इक्वेशन टू। तो देखिए यहाँ पे 4m-2n इक्वल टू -4, 4m+3n इक्वल टू 16। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन करना है, माइनस ये प्लस का हो जाएगा, सॉरी ये माइनस, साइन चेंज करना है, ये भी माइनस हो जाएगा, प्लस 4 -4 कैंसल, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2+3 5n, ग्रेट नंबर का साइन, ग्रेट नंबर तो 3 है, 3 का साइन माइनस, इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, आंसर 20 एडिशन कर दी तो, लेकिन ग्रेट नंबर का साइन आपको देना पड़ता है जब भी आप क्या करते हो, एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हो, माइनस माइनस बोथ साइड पे सिंगल वैल्यू है तो ये कैंसिल हो जाएगी, n इज इक्वल टू ये 25 मल्टीप्लीकेशन में है, साइड चेंज कर दो ये डिवीजन में हो जाएगी, 5 4 ज़ा, सो n की वैल्यू आपको मिल गई है 4। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, पुट n इज इक्वल टू 4, कोई से भी एक इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दो, पुट n इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन, सपोज हम 1 में सब्सटीट्यूट करते हैं तो इक्वेशन हो जाएगी 4m-2n इक्वल टू -4, 4m एज इट इज 2, n की वैल्यू आपको कितना पुट करना है, देखिए यहाँ पे 4, इसे मैंने ब्रैकेट में लिख लिया है, इसका मतलब माइनस, सॉरी मल्टीप्लीकेशन है -4, सो 4m माइनस 4 इंटू 2 इज 8 इक्वल टू -4, 4m इज इक्वल टू -4, इसके साइड अगर आप चेंज करते हो -8 हो जाएगा +8, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो इसका प्लस माइनस माइनस आंसर आ जाएगा इसका 4, साइन ऑफ ग्रेट नंबर, ग्रेट नंबर का साइन प्लस है तो देने की ज़रूरत नहीं है। इसका मीनिंग क्या है, देखिए 4m इज इक्वल टू आपको मिल गया है 4, तो आप m की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, प्लस 4 इज इन मल्टीप्लीकेशन, इसको शिफ्ट कर दो तो ये डिवाइड में आ जाएगा, 4 1 ज़ा 4 1 ज़ा 1 बाय 1, सो m इज इक्वल टू आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, m इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से हमने m एंड n की वैल्यू फाइंड कर ली है, तो यहाँ पे आपको आंसर भी लिखना है, वर्ड में ये मत भूलिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशंस इज x एंड y वेरिएबल नहीं यूज़ किए, यहाँ पे m एंड n यूज़ किए हैं, तो आपको वही यूज़ करना है, m कॉमा n इज इक्वल टू, m का आंसर कितना है, m हमने फाइंड किया है 1 एंड n इज इक्वल टू 4, तो ये हमने इसका सॉल्यूशन फाइंड कर लिया है। और मराठी मीडियम के जो बच्चे हैं उनके लिए मैं इसका वर्ड में बता देती हूँ किस तरह से आपको इसे लिखना है, दिलेल्या समीकरणांची उकल ही m, n = 1, 4 आहे। आशा आहे हा प्रॉब्लम तुम्हाला नक्कीच समजला असेल, अगर समझ में आए तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अगर आपको कौन सा भी डाउट है मैं उसे ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करूँगी, ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगी, तो ज़रूर हमें कमेंट कीजिए। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इसे शेयर करना मत भूलिए।